अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिकोडिंग चेन। दोस्तों, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीरीज़ की आज के इस वीडियो में हम एक नंबर्स का पैटर्न बनाएंगे जो हमारे पास इस तरह का होगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप डेव सी प्लस प्लस में आएँ और उसमें एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करें। हैस्ट इंक्लूड आई स्ट्रीम, हमारे पास लाइब्रेरी है और इंट मेन में हमने वर्क करना है। तो सिंपली हम इसमें अगर हम इस पैटर्न को देखें तो इस पैटर्न को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड कर लें, पैटर्न हमारे पास बहुत ईजीली बन जाएगा। एक हम इसको इस ट्राइंगल को एक बनाने के लिए हम नेस्टेड फॉर लूप लगाएंगे और इस ट्राइंगल को बनाने के लिए हम एक और नेस्टेड फॉर लूप लगाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फॉर लूप लगाते हैं, फॉर इंट आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन आर इक्वल टू फोर एंड आई प्लस प्लस। इस तरह हम एक और फॉर लूप लगाते हैं, फॉर इंट जे इज इक्वल टू जीरो, जे लेस देन आर इक्वल टू I एंड J प्लस प्लस। और हम सी आउट करा देते हैं, सी आउट जे, सॉरी एक स्पेस और उसके बाद हम जे। स्पेस इसलिए दिया ताकि जो आउटपुट है वो हमारे पास थोड़ी खूबसूरत आए। और यहां पर हम कह देते हैं सी आउट बैक स्लैश एन ताकि कंपाइलर नेक्स्ट लाइन पर चला जाए। ये हमारे पास जो होगा इसके आउटपुट हमारे पास फर्स्ट ट्रायंगल आएगी, ये जो हमारे पास ऊपर वाली ट्रायंगल होगी। इस तरह हम एक और दो फॉर लूप और लगाते हैं ताकि हमारे पास कंप्लीट पैटर्न बन जाए। फॉर इंट आई इज इक्वल टू थ्री, आई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो एंड आई माइनस माइनस। इसी तरह हमारे पास ये वाला लूप जो होगा जे वाला वो सेम ऊपर वाले लूप की तरह होगा। तो अब हम इसको इसी तरह कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं। इसमें हमारे पास फॉर जे इंट जे इज इक्वल टू जीरो, जे लेस देन आर इक्वल टू आई एंड जे प्लस प्लस। और हम सी आउट करा देंगे जे और बैक स्लैश एन को भी हम सी आउट करा देंगे ताकि कंपाइलर नेक्स्ट लाइन पर चला जाए। तो अब हम इसको रन करते हैं, ये सही तरह वर्क कर रहा है या नहीं। तो अब हम इसको रन किया तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक आउटपुट आई है, अंत आई ही खूबसूरत आउटपुट आई है। ये मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास आउटपुट हमारा जो कंप्लीट पैटर्न था वो बन चुका है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।